उठ जाओ। यह अर्थी नहीं उठेगी। और आप होते कौन ऐसे रुकने वाले? हमारा नाम गजेंद्र सिंह, पड़ोस के गांव में रहते। ये तुम्हारे बाबूजी है ना? 3 साल पहले इन्होंने हमसे 10 लाख रुपए कर्ज लिए थे। ये कागजात इस बात का सबूत है। लेकिन हमारे बाबूजी ने इस बारे में हमें कभी कुछ बताया नहीं। जब तक हमें हमारे पैसे नहीं मिल जाते, ये अर्थी यहाँ से नहीं उठेगी। आप ये गलत कर रहे हैं, आप अर्थी को नहीं रोक सकते। आपको पैसे चाहिए? मैं लौटाऊंगी आपके पैसे। लक्ष्मी, तुम घर के अंदर जाओ। हमने साफ मना कर दिया है, हम नहीं चुकाएंगे। भाई साहब, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपके पैसे लौटाऊंगी। तुम एक लड़की हो, हम तुम पर विश्वास कैसे करें? भाई साहब, ये लीजिए, ये 1 लाख रुपया कैश है, आप ये भी ले लीजिए। ये सब कुछ मिला के कुछ 7-8 लाख रुपए का होगा। और आपका जो भी पैसा बचा है, वो मैं हर महीने अपनी सैलरी से देती रहूँगी। पर भाई साहब, प्लीज़ मेरी बाबूजी की अर्थी को मत रोकिए, जाने दीजिए। बाबूजी ने हमें बहुत प्यार से पाला पोसा, मुझ में और मेरे भाइयों में कभी कोई फर्क ही नहीं किया। मुझे भी उच्च शिक्षा दी, अपने पैरों पे खड़ा किया। शाबाश बेटा, शाबाश, तुम धन्य हो बेटा। तुम्हारा सिर्फ नाम लक्ष्मी नहीं है, तुम सचमुच की लक्ष्मी हो। बात दरअसल यह है कि तुम्हारे बाबूजी ने हमसे कोई कर्ज नहीं लिया था, बल्कि हमने उनसे 10 लाख रुपए कर्ज लिए थे। जब तुम्हारे बाबूजी की मृत्यु का समाचार मिला तो बहुत दुख, फिर सोचा कि कौन है इस रकम का असली हकदार। अब हम भी अपने गांव जाकर बड़े गर्व से कहेंगे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को भी आगे बढ़ाओ। Hi, I'm Nusha Girija. Hi, this is Shankar Madhivan. And I support the Beti Bachao, Beti Padhao cause. I support the Beti Bachao, Beti Padhao campaign.